इंडियन एग्रीकल्चर में अब ऐसी कौन सी पॉलिसीज चाहिए कौन से रिफॉर्म्स चाहिए जो कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाए इंक्लूसिवनेस को बढ़ाए और इंडियन एग्रीकल्चर को और सस्टेनेबल बनाए आज के रिकॉर्डिंग में हम इस रीडिंग पे ही चर्चा कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बाय एस महेंद्र देव और हम आज मेनली इन्हैंसिंग फार्म इनकम के बारे में बात करेंगे ऐसी कौन सी पॉलिसीज की आवश्यकता है देखिए पहली बात तो ये कि आप कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ले लीजिए जैसे कि फिजिकल पॉलिसी है फिजिकल पॉलिसी किस लिए यूज होगी कि गवर्नमेंट को अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है उसका फिजिकल इंपैक्ट है गवर्नमेंट के पास अगर टैक्सेस होंगे उसके पास अगर इनकम होगी तो वो उस इनकम को उस रेवेन्यू को एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है एग्रीकल्चर <kills> के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकती है फिर ये कहते हैं कि आप कोई और भी पॉलिसी ले लीजिए जैसे कि फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है ट्रेड लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे हो सकते हैं फिर ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि आपको नॉन फार्म सेक्टर को भी इंप्रूव करना पड़ेगा तो ही एग्रीकल्चर भी इंप्रूव कर पाएगा बिकॉज अगर सारे के सारे रूरल लोग अगर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे तो जो नॉन फार्म तो एग्रीकल्चर तो की अपनी डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो एग्रीकल्चर पे जो इतना प्रेशर है वो थोड़ा सा ईज ऑफ हो सकता है अगर आप नॉन फार्म एक्टिविटीज को भी डेवलप कर पाए तो वो पूछते हैं अपने आप से तो क्या इसका ये मतलब है कि हम नॉन फार्म सेक्टर पे ही ज्यादा फोकस करें क्या जो सॉल्यूशन है वो नॉन फार्म सेक्टर में नॉन एग्रीकल्चर के अंदर लाई करता है देखिए आप ये बात हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो लो प्रोडक्टिविटी है दैट कैन बी ड्यू टू द मेन फैक्टर कि जो लो एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर फोर्स है इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में कम लेबर फोर्स जा रही है तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वो यहीं पे काम कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए अपने को क्या करना है यू नीड टोटल आउटपुट अपॉन पीपल राइट अगर ज्यादा लोग डिनोमिनेटर में होंगे तो प्रोडक्टिविटी तो लो ही होगी कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे आपको पता है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी है अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे पहले तो जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो शिफ्ट कर पाए जो लेबर फोर्स है उसको एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर की ओर तो हम जो वो डिनोमिनेटर है उसको कम कर पाए राइट right? कम लोग हो एग्रीकल्चर में और लोग शिफ्ट करें नॉन एग्रीकल्चर की तरफ ये कैसे हो सकता है अगर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ये होने के चांसेस हैं, बिकॉज लोगों को लगेगा कि जो फार्म एक्टिविटी से भी बेहतर कुछ है जहां पे हम जाके काम कर सकते हैं लेकिन ऐसी बहुत सी स्टडीज हैं जो कि वो यही कहती हैं Uh, कि आप ना एग्रीकल्चर को कम मत आंकिए अगर आपका मेन उद्देश्य यह है कि आपको को रिड्यूस करना है तो एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ा सहारा हो सकता है बिकॉज नेचुरली बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑलरेडी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और अगर आप एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं तो जो इनकम है फार्मर्स की वो बढ़ जाएगी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी पॉवर्टी रिडक्शन हम अचीव कर पाएंगे लेकिन फिर से यही बात आती है कि आप पॉवर्टी को ऐसे नहीं रिड्यूस कर पाएंगे विदाउट शिफ्टिंग पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर ये होना असंभव है अगर आप एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर की ओर लोगों को ना लेके जाए म लोगों को थोड़ा सा इंप्लॉय ना करवाए एग्रीकल्चर पे तो पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो पाएगी बिकॉज एग्रीकल्चर को बहुत प्रेशर झेलना पड़ेगा पॉपुलेशन का राइट right. फिर वो ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं कि जो फार्म इनकम है वो डबल हो जाए पहले तो उनका ये प्रोग्राम था कि 2022 तक डबल हो जाए फिर वो ही कैसा करना चाहते थे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए जो लोग हैं जो फार्मर्स हैं उनसे कहा जाए कि आप डाइवर्सिफाई करिए अपने क्रॉप्स को आप सिर्फ एक ही तरह की क्रॉप को मत उगाइए, आप और चीजों में भी डाइवर्सिफाई करिए आप हाई वैल्यूड क्रॉप्स क्यों नहीं उगाते जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स इनमें पैसा भी ज्यादा है फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाइए इंप्रूविंग टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर फार्मर्स को बढ़ाइए रखते हुए जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना चाहती है लेकिन गवर्नमेंट के पास अपने भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती है सबसे पहली बात तो ये कि हम जो मर्जी देख लें इनकम ग्रोथ एग्रीकल्चर में उतना नहीं हुआ है इट हैज नॉट ग्रोन मच दूसरा जो नॉन फार्म इनकम है उसकी इंपॉर्टेंस बड़ी है और लोगों को भी पता है कि नॉन फार्म में शायद पैसा थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर रीजनल डिस्पैरिटीज हैं डेवलपमेंट के अंदर कोई एक क्षेत्र ज्यादा डेवलप हुआ है दूसरा क्षेत्र उतना डेवलप नहीं हुआ क्वालिटीज अमंग फार्मर्स है कुछ बहुत बड़े फार्मर्स हो गए कुछ छोटे ही रह गए लेकिन इन marginal farmers में से भी कुछ ऐसे फार्मर्स हो सकते हैं जो कि सक्सेसफुल रहे होंगे तो पॉलिसीज को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये स्मॉल फार्म स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स जो बहुत छोटी परसेंटेज सक्सेसफुल हो गई है उनमें वो कैसे हो गई है और क्या हम उस बात को रिपीट कर सकते हैं क्या हम उस बात को फिर से दूसरे फार्मर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं ये देखने की आवश्यकता है और आप एग्रीकल्चर को डिवेलप करवा रहे हैं इस बात को मत भूलिए कि एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स का है उनके पास अपनी लैंड नहीं है आप इरिगेशन को डेवलप करा रहे हैं आप और भी बहुत सी चीजें कर रहे हैं ये मेनली आप फार्मर्स के लिए कर रहे हैं जिनकी अपनी लैंड है एग्रीकल्चरल लेबरर्स कहा जाएंगे उनके लिए पॉलिसीज अलग होनी चाहिए उनके लिए वेज पॉलिसी होनी चाहिए कि उनकी वेजेस बढ़े तो ये एक थोड़ा सा डिस्कशन था डबलिंग ऑफ फार्म इनकम पे फिर अगर आप देखें कि जो इंडिया है वो बहुत रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर्स को नहीं दे पाता ना और ना ही सिर्फ ये अगर आप प्राइसेस को ओवर टाइम देखें या आप प्राइसिस को स्पेशली देखें मतलब एक्रॉस द डिफरेंट रीजन देखें तो बहुत वेरिएबिलिटी आप पाएंगे और ओवर टाइम भी डिफरेंट होंगे राइट सो जबकि रोड्स डिवेलप हो चुकी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप हो चुका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवेलप हो चुका है तब भी ये वेरिएशंस हैं। हम सबको पता है कि जो डिस्टोशन हैं एमएसपी में ये तो रहती है एमएसपी आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि ठीक है अगर आपका जो भी एक्स्ट्रा हार्वेस्ट होगा हम उसको खरीद लेंगे इस मिनिमम प्राइस आपके हार्वेस्ट प्राइस के ऊपर ही प्राइस हम देंगे लेकिन uh, जो ये भी है ये भी कुछ ही क्रॉप्स तक सीमित रह गया है और कुछ ही स्टेट्स तक सीमित रह गया है और क्योंकि फार्मर्स को पता है कि अगर हम ये वाली पर्टिकुलर क्रॉप उपजाते हैं जिसपे एमएसपी है तो अगर और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट तो खरीद लेगी तो हुआ क्या जो जो फार्मर्स हैं वो डाइवर्सिफिकेशन की ओर नहीं जा रहे हैं उस चक्कर में दैट इज नॉट वॉट वी वॉन्ट वी वुड वॉन्ट फार्मर्स टू डाइवर्सिफाई देर क्रॉपिंग फिर अगर कभी एमएसपी हम बढ़ाते भी हैं तो दूसरी ह्यूमन क्राई होने लग जाती है दूसरा प्रॉब्लम होने लग जाता है कि नहीं देखो ये तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो सब चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे जनरल इन्फ्लेशन हो जाएगा क्या हमको फार्मर्स के लिए देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या हमको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी लाइफ कैसे जा रही है अगर उनको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा तो वो कैसे जियेंगे और एग्रीकल्चर का बहुत बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं दूसरे सेक्टर्स तो, तो अगर वो डेवलप नहीं करता है तो जो दूसरे सेक्टर्स आराम से बैठे हैं वो बहुत दिन आराम से नहीं बैठ पाएंगे और आप अगर एमएसपी इंक्रीज कर भी देते हैं लेकिन आप प्रोक्योर ही नहीं कर रहे हैं क्रॉप को तो फायदा क्या है वट इज यूज प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप भी तो होना चाहिए उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी है क्या आपके पास गवर्नमेंट ने एक स्कीम uh, uh, भी निकाली है दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान सो दिस इज फॉर द रेमुन प्राइसेस टू इंश्योर रेम्यूनिरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स मार्केटिंग रिफॉर्म्स एंड फ्रीडम फॉर फार्मर्स देखिए जो uh, हमारे देश के जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं दे आर कैरेक्टराइज ऑपरेशंस एफिशिएंसी कम है प्रोडक्टिविटी कम है बहुत सारे मिडिलमैन हैं और ये तो आपको पता है माइक्रो के कोर्स से भी जितने बीच में मिडिलमैन होंगे उतना प्राइस ऊपर चला जाता है फ्रेगमेंटेड मार्केटिंग चेन से जो मार्केटिंग चेन है वो बिल्कुल एक सीधे तौर पे नहीं बनी हुई है फ्रेगमेंटेड है बीच बीच में टूटी हुई है तो उससे क्या है जो फार्मर्स हैं उनको अपनी क्रॉप के लिए एक प्रॉपर फेयर प्राइस नहीं मिल पाता है और स्टेट्स uh, ने भी कोई बहुत ज्यादा uh, अपनी तरफ से कोई पॉलिटिकल uh, विल नहीं दिखाई है टू रिफॉर्म एग्रीकल्चरल मार्केट्स राइट पॉलिटिकल प्रेशर भी है बहुत ज्यादा वो नहीं छेड़ना चाहते इसको एंड गवर्नमेंट हैज आल्सो क्रिएटेड ई दिस इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ये प्लेटफॉर्म है लेकिन uh, जिस पे फार्मर्स के लिए उनको सबको उनको पता है कि किस तरह की क्रॉप के क्या प्राइसेस हैं कहाँ पे बेच सकते हैं लेकिन फिर भी प्रोग्रेस अभी भी बहुत स्लो है तो शायद इतना परवेसिव यूसेज नहीं होगा उसका लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होगी ये एक प्रॉब्लम है दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो आप इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं मार्केटिंग रिफॉर्म्स के लिए आप ये कर सकते थे कि प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को महत्व दा दे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि ये प्राइस आपको मिल जाएगा हैपेंस, so आपको वो मिल ही जाएगा प्राइस सो यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू बाय दिस एंड द पर्सन इज प्रोड्यूसिंग उसके अपने नेगेटिव्स हैं वो अलग बात है लेकिन यहां पे कहने की बात है कि आप इन मार्केटिंग रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर मार्केट्स को और कैसे डेवलप कर सकते हैं आप प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बनाए कोऑपरेटिव बनाए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए अगर आप रूरल एरियाज में देखेंगे तो आप सबसे ज्यादा पाएंगे कि जो वुमेन है उनके लिए इनिक्वालिटी बहुत है राइट right? उनको अगर कभी क्रेडिट चाहिए होता है तो उनको आराम से नहीं मिलता है उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको आराम से उस चीज का सलूशन नहीं मिलेगा तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपस में मदद कर सकते हैं एंड दे कैन हेल्प गेटिंग फार्मर्स अ अ बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस एनहांसिंग एग्रीकल्चर बियॉन्ड हार्वेस्ट अब देखिए आपने हार्वेस्टिंग कर ली है लेकिन अल्टीमेटली वो चीज कंज्यूमर के पास भी पहुंचनी चाहिए ना तो वो जो पूरा पूरा लिंक है वो होना चाहिए हार्वेस्ट और कंज्यूमर के पास के बीच में पहुंचने का जो पूरी की पूरी होनी चाहिए right? तो उससे प्रॉब्लम आती है दूसरा अगर आप बहुत ज्यादा सेक्टर को ओवर रेगुलेट करेंगे ये लॉ है आपको ये फॉलो करना है एग्रो प्रोसेसिंग को बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेट करेंगे एंटरप्राइज साइज इतना ही होना चाहिए इस तरह की रेगुलेशन लेके आएंगे तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना वो कहेंगे भैया हम नहीं आ रहे और गवर्नमेंट को भी पता है कि हर चीज का समाधान गवर्नमेंट के पास ही नहीं है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को आना पड़ेगा तो ही इकोनॉमी ऊपर जाएगी अब इंडिया के अंदर जो जो हार्वेस्टिंग और रिटेलिंग के बीच के जो चैनल्स हैं वो मिसिंग है जैसे स्टोरेज कहाँ होगी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है प्रॉपर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नहीं है प्रॉपर एग्री बिजनेसेस नहीं है तो कैसे करें गवर्नमेंट ने कहा कि हमको ये ऐसा कर सकते थे अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट को डेवलप कर पाते एक्सपोर्ट बैन लगा देते हैं आप एक्सपोर्ट बैंड ना फार्मर्स को बहुत हर्ट कर जाते हैं बहुत से रूपों राइट right? वो अपने प्राइस वो अपने प्रोडक्ट को बाहर नहीं बेच पाते उनकी इनकम कम हो जाती है इट इज गोइंग टू बी बैड फॉर फार्मर्स कोई भी आप एक्सपोर्ट बैन अगर लगाते हैं किसी क्रॉप का अगर थोड़ी सी भी शॉर्टेज हुई गवर्नमेंट कहती है कि चलो ठीक है हम एक और तरीके से ये वैल्यू चेन बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम स्टार्टअप को इंसेंटिवाइज करते हैं गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम वगैरह चालू करा है 2015-16 में लेकिन फिर भी अगर आप उसमें भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का स्टार्टअप देखें इन टोटल एक्टिविटी तो वन परसेंट भी नहीं है तो अनलेस ये स्टार्टअप्स भी इंसेंटिवाइज हो वो इनोवेट कर पाएंगे वो नए तरीके लेके आ पाएंगे और एफिशिएंसी और बढ़ पाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है तो अगर अब क्वेश्चन इस तरह का आता है कि मान लीजिए ऐसी क्या क्या पॉलिसीज हो सकती हैं तो जो डबलिंग ऑफ फार्म इनकम हो तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं आप कैसे लिखोगे आप पहले ये लिखोगे कि पहले तो आपको नॉन एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा सो दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर अपने आप में डेवलप हो जाए फिर आप डबलिंग फार्म इनकम के बारे में लिखोगे फिर आप ये लिख सकते हो कि जो हमारे जो एमएसपी की प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स लेके आए हैं कि उनको प्रॉपर प्राइस मिले सो so दैट उनकी इनकम बढ़े फिर आप ये भी लिखोगे कि, कि जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं और उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए सोल्यूशन क्या अगर आप देखें तो हर पॉइंट पे हमने एक प्रॉब्लम बताई है उसका गवर्नमेंट uh, का कोई इनिशिएटिव बताया होगा कोई सोल्यूशन बताया फिर यह भी बताने की आवश्यकता है कि अगर आप फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो नितांत आवश्यक है वो ये भी है कि आप वैल्यू चेन डेवलप करवाएं आप एक्सपोर्ट का पॉइंट लिख सकते हैं कि ज्यादा इम्पोर्ट मत लगाइए का पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को और ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है कुछ इस तरह से सो विल टेक द डिस्कशन फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू बेटा